फ्रेंड्स, दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग एग्जाम्पल अब बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एग्जाम्पल जो बचा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल 4 है। सबसे पहले को एग्जाम्पल 4 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद लगातार हम लोग 5, 6, 7, 8 सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ हमें फिगर गिवन है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है और एंगल एम एक्स क्यू, ये आपका एम एक्स क्यू, ये वाला एंगल आपको 135 गिवन है। एम वाई आर 40 दिया हुआ है, एम वाई आर ये एंगल। तो हमें बताना है एक्स एम वाई, मतलब हमें एक्स एम वाई इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, इसे ध्यान से देखें, ये फाइंड करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसको। तो हमें जो भी गिवन है उसको गिवन में, गिवन पार्ट में लिख लेंगे, एंगल एक्स एम क्यू, एंगल एम एक्स क्यू 135, एंगल एम वाई आर 40 दिया हुआ है। ठीक, हमें यह एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग लिख लेंगे टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई। अब प्रूफ देखते हैं इसका। तो देखिए, हम लोग इस पर किस तरह से निकालेंगे। देखिए सिंपल है, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि पी क्यू के पैरेलल हो। ठीक है, अब जब ये पी क्यू के पैरेलल, मान लीजिए इसका नाम ले लेते हैं ए बी, दे देते हैं ए बी, एक लाइन ड्रॉ किए जो कि पी क्यू के पैरेलल है। जब और पी क्यू के जब ये पैरेलल होगा तो ये आर एस के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये हमें पी क्यू आर एस आपस में पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड, ये लाइन है, ये किसी एक का भी पैरेलल हो जाए तो दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। जब ये लाइन ड्रॉ किए पैरेलल, तो हम लोग जानते हैं दो पैरेलल के बीच में ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल, इतना सा एंगल, ये मिलकर ये दोनों एंगल 180 बनाएगा, जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ में लिखेंगे PQ पैरेलल टू AB है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से आया। ठीक, सिंस देयरफॉर ये वाला एंगल QXM एंगल, या MXQ बोले या QXM, बात बराबर है, प्लस ये वाला एंगल BMX ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा, और रीजन दे देंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब QXM जो है, QXM ये वाला एंगल तो मालूम है 135, तो आपका ये निकल जाएगा BMX। ठीक है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल BMX आ जाएगा 180 माइनस 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये 45 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। ये एंगल मेरा आ चुका है 45 डिग्री, और जब ये 45 आ गया, अब हम लोग निकाल सकते हैं ये एंगल, ताकि ये पूरा मिलकर जो है, पूरा एंगल मिलकर जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, यही एंगल निकालना है। तो पहले इतना सा पार्ट निकाल चुके हैं, ये वाला एंगल इतना सा, बस इतना बाकी है। तो इसको हम लोग निकालेंगे इसके मदद से, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये एंगल, ये साइड। ठीक, तब हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू आर एस। ठीक है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल, मतलब बी एम वाई एंगल, बी एम वाई ये इक्वल हो जाएगा आर वाई एम के, एंगल आर वाई एम के। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा बी एम वाई जो होगा एंगल आर एम वाई, जो कि 40 डिग्री है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिल चुका। अब हमें जो निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। हमें फाइंड करना एक्स एम वाई, एक्स एम वाई ये पूरा एंगल। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स एम वाई जो है ये इक्वल है एंगल, ये वाला जो पहले निकाल चुके बी एम एक्स,
प्लस ये वाला बी एम एक्स ये एंगल प्लस बी एम वाई ये वाला है, बी एम वाई मतलब ये वाला एंगल, तो एंगल बी एम वाई के इक्वल है। तो अब दोनों हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये आया था 45 और ये आया है 40, दोनों को ऐड कर देंगे ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल बी एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। इसी को हमें निकालना था इस पूरे एंगल को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।